इंडिकेशन का तीसरा मेथड है बेटा, बाय पार्ट्स मेथड। आपको सब्स्टिट्यूशन आ चुका है, पार्शियल फ्रैक्शन आ चुका है, अब बाय पार्ट्स। इसे इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। होगा क्या, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होंगे, ठीक है, हमें करना होगा इंटीग्रेशन। दो फंक्शन होंगे मल्टीप्लिकेशन में और इनका करना इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए बड़ा एक फार्मूला है, जो फर्स्ट है उसको एज इट इज लिखना है और इंटीग्रेशन करना है सेकंड का। फर्स्ट को एज इट इज जैसा है वैसे लिख दो, इंटीग्रेशन सेकंड का करो माइनस। अब जो फर्स्ट है बेटा उसका करना है डेरिवेटिव, डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, और जो सेकंड है बेटा उसका करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा ना बेटा, जो भी आंसर आएगा उस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन करना है। ये हो गया छोटा सा फॉर्मूला, दोबारा देखना। दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, एक फर्स्ट एक सेकंड, ठीक है। करना क्या है, पहले वाले को ऐसे लिखना है, इंटीग्रेशन सेकंड का करना है माइनस पहले का डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, और सेकंड का इंटीग्रेशन करना है। अब पहले के डेरिवेटिव और सेकंड के इंटीग्रेशन की मल्टीप्लाई करके जो भी आया होगा उसका इंटीग्रेशन करना है। तो फिलहाल देखिए आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो पहला वाला फंक्शन है ना, या तो उसके साथ कुछ नहीं हो रहा या उसके साथ डेरिवेटिव हो रहा है, देख रहे हो। और जो सेकंड है, सेकंड वो फंक्शन है जिसका बार बार क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ही हो रहा है। तो यानी कि जब भी कभी दो फंक्शन आपको दिए गए होंगे तो आप ये चेक करना कि किसका इंटीग्रेशन तुम्हें आता है। जिसका इंटीग्रेशन आसान है उसको सेकंड माना जाएगा, और जिसका इंटीग्रेशन मुश्किल है, जिसका इंटीग्रेशन तुम्हें आता ही नहीं है, फिर उसको फर्स्ट मान लेना, ठीक है जी। तो इसके लिए एक सीक्वेंस बनाया गया है, आई लेट, आई बोले तो इनवर्स फंक्शन, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर एलजेब्रिक फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस नियम के मुताबिक एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन सबसे आसान होता है, उससे थोड़ा सा मुश्किल ट्रिग्नोमेट्रिक, उससे थोड़ा मुश्किल एलजेब्रिक, उससे थोड़ा मुश्किल लॉग, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल फिर इनवर्स। इनवर्स का इंटीग्रेशन कहाँ आता है, देखो तुमने साइन एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा, क्या तुमने साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा, नहीं ना, नहीं आया फिर नहीं आया, तो वही बेटा, ठीक है जी। तो इस सीक्वेंस में बेटा जो चीज़ बाद में आ रही है उसको सेकंड माना जाएगा, और जो चीज़ पहले आ रही है उसको फर्स्ट माना जाएगा, ओके। एक एग्जांपल के जरिए समझिए, मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि इंटीग्रेट करके दिखाओ एक्स ई की पावर में एक्स, एक्स और ई की पावर में एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, समझना। एक्स एक एलजेब्रा है और एक्सपोनेंशियल ई, बस में आ रही है। तो देखो एलजेब्रा पहले आती है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, जो पहले आता है वो फर्स्ट, जो बाद में आता है वो सेकंड। इस बात को समझ पाए आप लोग, इसमें दिक्कत सर, यहाँ पर एक्स को फर्स्ट माना गया क्योंकि ये एलजेब्रा है, और ई को मैंने सेकंड माना क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल है, ठीक। तो अब नियम के मुताबिक देखो भैया, मैं शॉर्टकट मार के चलूंगा। तो देखो भाई, जैसे ये वन है एक्स, वो फर्स्ट है, फर्स्ट के साथ कुछ नहीं करना, लिख दिया एज इट इज, एज इट इज। फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है, ई एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, फिर माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन। अब उसके अंदर क्या क्या चीज आएगी, एक तो पहले का डेरिवेटिव आएगा और दूसरे का इंटीग्रेशन आएगा। पहला यानी एक्स का डेरिवेटिव आएगा और सेकंड ई एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये बात समझे ना, उसके बाद एक्स ई एक्स माइनस वन इंटू ई एक्स, ई एक्स और ई एक्स का इंटीग्रेशन प्लस में टी। बात समझ में आ रही बेटा, इतना क्लियर है। एक और समझो, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे हो, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, किसको फर्स्ट मानोगे किसको सेकंड मानोगे, फर्स्ट किसको मानोगे इसमें आप बच्चों, ये एलजेब्रा है
ये log x logarithmic function, log पहले आता है algebra बाद में आती है, log पहले आता है algebra बाद में आती है, तो log अपन का ये first function होगा, और ये जो x square ये second function, जो चीज पहले आ रही है इस sequence को देखो भैया, logarithmic function और algebraic function, इस sequence के according log पहले आता है algebra बाद में आता है, तो algebra को आपने second मान लिया और logarithmic को आपने first मान लिया, ठीक है जी। तो देखिए अब क्या हो जाएगा बड़े, log x फर्स्ट वाले को ऐसे लिखा, फर्स्ट वाले को ऐसे लिख दिया जैसा था एज इट इज, देन इंटीग्रेशन सेकंड का करना है, सेकंड कंडीशन यानी x स्क्वायर कंडीशन, और x स्क्वायर कंडीशन, x स्क्वायर कंडीशन x क्यूब के अपॉन में 3, सही बात है। उसके बाद माइनस, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, उसके अंदर खेला क्या होगा बेटा, पहले का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, पहले का log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव सेकंड का, सेकंड का इंटीग्रेशन, बात समझ में आ रही है देवी? अब भाई बच्चों, पहले मैंने फर्स्ट को एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन सेकंड का करना है x क्यूब अपॉन में 3, माइनस पहले का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, और इस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन करना है, तो पहले मैं इसको थोड़ा तमीज से लिख लेता हूँ, log x इंटू में x क्यूब बाय 3 माइनस 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा 1/3, और इस x क्यूब से एक x कट जाएगा तो बचेगा x का स्क्वायर, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ log x, तो x क्यूब बाय 3 और 1/3 एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय प्लस का के, बात समझ में आ रही बच्चों देविता? ठीक है, और आपसे बोल दे कि भाई log x का इंटीग्रेशन करो, log x कुछ दिया ही नहीं और बस इतना ही छोड़ दिया, log x को इंटीग्रेट करके दिखाओ भाई, ये क्या बात होगी? अब भाई तो log x को इंटीग्रेट करने के लिए भैया आप देखो तरीका है, आप अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना पड़ेगा, मन की आंखों से देखना पड़ेगा, log x चेक करो इंटू में 1 है, log x इंटू में 1, तो देखो आपको मालूम है कि log x का इंटीग्रेशन तो आता ही नहीं है, तो log x को तो मैं सेकंड मान ही नहीं सकता, सेकंड उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन तुम्हें आता है, और तुम्हें किसका इंटीग्रेशन आता है बेटा 1 का, log का इंटीग्रेशन तुम्हें नहीं आता, जिसका इंटीग्रेशन तुम्हें आता है उसको सेकंड मानो, log का इंटीग्रेशन नहीं आता था इसलिए मैंने उसको फर्स्ट मान लिया, बात समझ में आ रही है? log x एक सिंगल फंक्शन दिया था तो बाय पार्ट्स का रूल एप्लीकेबल करने के लिए मैंने इसमें इनटू 1 लगा दिया, ठीक है, और अब इस नियम के मुताबिक बेटा बाय पार्ट्स के नियम के मुताबिक पहले फर्स्ट वाले को हम एज इट इज लिखेंगे, यानी कि log x को मैं एज इट इज लिखूंगा, फिर इंटीग्रेशन सेकंड का करूंगा यानी 1 का इंटीग्रेशन करूंगा बड़े तो x आ जाएगा, माइनस फिर बड़े से इंटीग्रेशन के साइन के अंदर फर्स्ट का होगा डेरिवेटिव यानी log x का होगा डेरिवेटिव 1/x, तो log x साथ में x, x से x कट जाएगा बचेगा 1, और नेक्स्ट स्टेप में log x x 1 का इंटीग्रेशन x प्लस का, ओके बात समझ में आ रही है बेटा? कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन देखना, एक्स स्क्वायर साइन एक्स किसको फर्स्ट माने, किसको फर्स्ट माने, एलजेब्रा आ गया और इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ गई, अगर एलजेब्रा भी है ट्रिग्नोमेट्री भी है तो एलजेब्रा भी है ट्रिग्नोमेट्री भी, तो एलजेब्रा पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री बाद में आती है, एलजेब्रा फर्स्ट दिस विल बी सेकेंड, ओके। अब देखिए इंटीग्रेशन करना है तो सर रूल तो वही जो 3-4 क्वेश्चन से कर रहे हैं कि पहले फर्स्ट एज इट इज, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, ओके, देन माइनस माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और इस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन, तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैं इसको लिख लेता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस, और ये माइनस प्लस
टू कॉन्स्टेंट है, हम चाहे तो इसको बाहर ला सकते हैं, अंदर बचेगा ओनली एक्स इंटू में कॉस एक्स। अब आप देख सकते हैं अब तक के जो क्वेश्चन थे, जो ये वाला पार्ट होता था, यहाँ पर दो फंक्शन नहीं बचते थे, एक ही फंक्शन बचता था, बट यहाँ पर अभी भी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में बच रहे हैं, नजर आ रहा है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो इसमें अब आपको इतने पार्ट पे दोबारा से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, बात समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी दो बच रहे हैं ना, तो इतने पार्ट्स पे दोबारा से बाय पार्ट्स लगेगा भाई इसमें। तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू, ब्रैकेट के अंदर देख लो, बड़ा ब्रैकेट है, इसके अंदर खेला चलेगा, फर्स्ट एज इट इज कॉस एक्स कंडीशन साइन एक्स माइनस फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव वन सेकेंड कॉस कंडीशन साइन एक्स, और इस पूरे का एक बार दोबारा से क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, तो भाई देखो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू ब्रैकेट के अंदर एक्स साइन एक्स माइनस, और साइन एक्स बचेगा ना ओनली, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस का के, और इसके नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू इंटू एक्स साइन एक्स टू माइनस माइनस प्लस टू कॉस एक्स प्लस का के, बात समझ में आ रही है, ये हो सकता है, सिंपल ही है क्या इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वन तो एलजेब्रा हो गया और लॉग पहले आ गया, ये सेकंड हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट, ठीक है देवी, तो अब जो है बेटा सेकंड को, सॉरी फर्स्ट को ऐसे लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब के अपॉन में थ्री, वन का इंटीग्रेशन एक्स, ठीक है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव, और सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस का एक्स, ये ठीक है। हमने पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन सेकंड का किया, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन होगा, बट इसको पहले सिंपलीफाई करना पड़ेगा थोड़ा, लॉग एक्स एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स माइनस, देखो ये जो एक्स क्यूब प्लस एक्स है ना, दोनों में एक एक्स कॉमन आएगा, नजर आ रहा है, वो एक्स इस एक्स से कट जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर बाय थ्री प्लस का वन, ये समझ में आया, इस एक्स में और इस एक्स क्यूब में से एक एक्स कॉमन आया होगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा वन, तो वो एक्स से कट गया। अब जो है लॉग एक्स एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन थ्री, और एक थ्री पहले से था, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस का के, बात समझ में आ रही है, इतना ठीक है, ये हो गया समाप्त यहाँ पर, ओके। टेन इनवर्स एक्स, इंटू वन ले रहे, इनवर्स फंक्शन फर्स्ट, वन विल बी सेकेंड। नियम बोलता है भैया कि फर्स्ट को ऐसे लिखो, फर्स्ट को ऐसे लिखो, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, वन का इंटीग्रेशन एक्स, इतना ठीक है। हाँ जी, अब इसके बाद ये जो यहाँ तो हो गया, अब आप इसको देख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऊपर लीनियर इक्वेशन है, सिंपली आप वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर सकते हो, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। हाँ, ये जो इंटीग्रेशन वो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स, फिर वन प्लस एक्स स्क्वायर को लेट कर लिया था टी, फिर ऊपर है एक्स डी एक्स, तो एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई टू डी टी बाय टू, ये ठीक है। सब्सटीट्यूशन लगाया इसमें तो यार 7.6 में पहुंच गए तुम, तो 7.2 वाली बात है, तो क्या भाई
एक्स वन बाय टू वन बाय टी का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस का के बात समझो बेटा। और इसके भी नेक्स्ट स्टेप में आप इसमें लॉग इसमें आप टी की वैल्यू पुट कर लोगे वैल्यू ऑफ टी इज वन बात समझे इतना क्लियर है बेटा। इसको आप छाप लीजिए फटाफट साइन इनवर्स एक्स इसको इंडिकेट करना है। एक तरीका आपको मालूम है कि सिंपली हम क्या करेंगे साइन इनवर्स एक्स इंटू में वन लेकर हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं वन क्योंकि वन का इंडिकेशन हमें आता है इसलिए मैं इसको सेकंड मानूंगा साइन इनवर्स एक्स को मैं फर्स्ट मानता हूँ ठीक है। अब आपको फॉर्मूला मालूम है बेटा कि पहले तो फर्स्ट को एज इट इज लिखो फिर इंडिकेशन करना है सेकेंड का वन का इंडिकेशन एक्स माइनस पहले का डेरिवेटिव और वन कंडीशन एक्स इतना ठीक है इतना ठीक है। अब देखिए अब तो आपको मालूम है यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर को लेट कर लो ठीक तो वन का डेरिवेटिव जीरो माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स डी टी बाई डी एक्स यहाँ से डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी के अपॉन में माइनस का टू एक्स तो ये जो इंटीग्रेशन है आई ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स रूट टी एक्स डी एक्स है ना तो एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी के अपॉन में माइनस टू एक्स था वो जो माइनस टू बाहर आ जाएगा ये बात समझ में आई इतना ठीक है। अब जो है अब बड़ा आपको मालूम है एक्स इंटू में साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस वन बाय टू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वन बाय रूट टी कंडीशन होता है टू रूट टी ये आपको मालूम है कैसे आता है रूट टी को पहले हम ऊपर ले आते हैं पावर में ऐड कर देते हैं फिर है ना तो टू रूट टी आ जाएगा टू से टू कट जाएगा तो टू से टू कट गया जगह रूट और टी की जगह वन माइनस उसका यह है इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है यार अब वो तरीका क्या जरा देख लेना जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यही है साइन इनवर्स एक्स कह रहे इसको इंडिकेट करो इसको इंडिकेट करना तो एक तरीका क्या है कि भैया लेट कर लो कि जो साइन इनवर्स एक्स है उसको लेट कर लो क्या टी साइन इनवर्स एक्स को लेट कर लो टी तो साइन इनवर्स एक्स इसका डेरिवेटिव या अभी डेरिवेटिव मतलब साइन को भेज दो राइट साइड में एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन टी साइन इनवर्स एक्स को आपने टी लेट किया साइन को आपने राइट साइड में भेज दिया एक्स की वैल्यू आ गई साइन टी। अब इसको डिफरेंशिएट करो एक्स का डेरिवेटिव विल बी वन साइन टी का डेरिवेटिव विल बी कॉस टी और फिर डी टी का टी का भी करोगे डी टी अपॉन में डी एक्स आना चाहिए था उस डी एक्स को तो इस साइड ले आओ एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया फिर हमने साइन टी का किया कॉस टी फिर टी का किया डी टी अपॉन में डी एक्स आना चाहिए था उस डी एक्स को हम इस साइड ले आए ठीक है। अब इंटीग्रेशन में बेटा नाउ ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसकी जगह क्या लिख लेंगे टी आगे डी एक्स था और डी एक्स की जगह कॉस टी डी टी कॉस टी और डी टी। अभी देखो एलजेब्रा ट्रिको आई लेट एलजेब्रा ट्रिको ठीक है आई है ना आई लेट तो एलजेब्रा पहले आता है ट्रिको बाद में आता है तो फर्स्ट और सेकंड अब इस पर बाई पार्ट्स लग जाएगा फर्स्ट एज इट इज कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड कॉस का इंटीग्रेशन इतना ठीक है। फिर उसके बाद टी साइन टी कंडीशन क्या होता है माइनस कॉस टी प्लस का के ये समझे। अब देखिए उसके बाद अब आपने इसको दोबारा एक्स के टर्म्स में लेके आना है तो जहाँ पर भी टी होगा उस टी की जगह क्या पुट कर लोगे साइन इनवर्स एक्स और जहाँ पे साइन टी होगा उसकी जगह क्या पुट कर लोगे एक्स। तो एक काम करो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं सबको साइन टी बनाओ साइन टी देखिए ये तो साइन टी है और ये कॉस टी है बेटा तो टी साइन टी माइनस माइनस प्लस
और cos t को sin t लिखा जा सकता है। देखो आपको मालूम है ना sin square t plus cos square t equal to होता है 1, तो यहाँ से cos square t की वैल्यू आ जाएगी 1 minus sin square t, और cos t की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 1 minus sin square t, इसकी आदत डालनी पड़ेगी भाई। अब देखो अब पूरे क्वेश्चन में जहाँ पर भी t है वहाँ sin इनवर्स x रख दो, sin इनवर्स x sin t की जगह x प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का k, ये बात समझे भाई? हाँ जी इतना ठीक है, चले आगे। अब देखिए क्वेश्चन अगर मान लीजिए ऐसा होता, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए x इंटू में साइन इनवर्स x, अब क्या किया जाए? तो इसके लिए एक तरीका क्या है, अगर साइन इनवर्स x आ जाता है, अगर साइन इनवर्स x आ जाता है तो जैसे आपने यहाँ पर टी लेट किया था, आप यहाँ पर भी साइन इनवर्स x को टी लेट कर लो, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू व्हाट टी। अगर ऐसे यहाँ पे कॉस इनवर्स x आ जाए तो भी आप उसको टी लेट करना, लेकिन अगर टेन इनवर्स x आता है तो टी लेट करने की जरूरत नहीं है। अगर टेन इनवर्स x आता है तो टी लेट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उसको फर्स्ट और सेकंड मान के भी कर सकते हैं, लेकिन साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के केस में आपने टी लेट करना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमने लेट किया टी, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन टी, एक्स की वैल्यू आ गई साइन टी, और जब एक्स की वैल्यू साइन टी आ चुकी है, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन टी का कॉस टी, टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन में क्या आएगा डी, डी एक्स जो था मैं लेफ्ट साइड में लिया है, तो ये जो इंटीग्रेशन जो बड़ा है अभी क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू एक्स की जगह साइन टी, साइन इनवर्स एक्स की जगह टी, और डी एक्स की जगह कॉस टी डी टी, इतना ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे तीन तीन फंक्शन आ गए, साइन टी भी आ गया, कॉस टी भी आ गया, टी भी आ गया, तो इसमें देखिए जुगाड़ लगाएंगे, अब हम टी को कर लो अलग, साइन टी कॉस टी दो से करो मल्टीप्लाई और दो से कर लो डिवाइड। तो ऐसे क्यों किया हमने, दो से डिवाइड क्यों किया, दो से मल्टीप्लाई क्यों किया, दो से मल्टीप्लाई करके इतना जो हिस्सा है ये साइन टू टी बन जाएगा, और आगे क्या है, आगे तो टी है ही। अब आप इसमें एलजेब्रा और ट्रिको इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो तरीका देख लेना, 1/2 इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट के अंदर है, इंटीग्रेशन फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड का साइन टू टी का, साइन टू टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू टी के अपॉन में टू, ठीक है, माइनस अब फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन टू टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू टी अपॉन में टू, और यहाँ पे आगे डी टी, ये बात समझे। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये जो है 1/2 माइनस टी कॉस टू टी अपॉन में टू माइनस थ्री, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये टू तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा ओनली कॉस टू टी। अभी इंटीग्रेशन किसका करना है, कॉस टू टी का इंटीग्रेशन करना है, कॉस टू टी का इंटीग्रेशन साइन टू टी अपॉन में टू प्लस का के, भैया इंटीग्रेशन हो चुका है, बात समझ में आई? एक बार दोबारा देखो, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, फर्स्ट में हमने ऐसे लिखा इंटीग्रेशन सेकंड का करना, तो साइन टू टी का माइनस कॉस टू टी अपॉन में टू, एंगल का भी किया है, फिर माइनस का साइन, अब बड़ा सा इंटीग्रेशन उसके अंदर खेला होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, टी का डेरिवेटिव 1, इंटीग्रेशन सेकंड का साइन टू टी का माइनस कॉस टू टी के अपॉन में आ जाएगा 2, और आगे इंटीग्रेशन दोबारा से होगा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, 2 जो कांस्टेंट था वो आ जाएगा बाहर, लेकिन अंदर कॉस टू टी बचेगा, और उस कॉस टू टी का इंटीग्रेशन साइन टू टी के अपॉन में 2, इतना ठीक है। सर इतना हो चुका है, अब आपने इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, दोबारा से आपने इसको एक्स के टर्म्स में लेके आना है। तो तरीका क्या है, देखो हमने जहाँ पर भी टी नजर आएगा वहाँ पर मैं क्या पुट कर दूंगा साइन इनवर्स एक्स, और जहाँ पर भी साइन टी नजर आएगा उसकी जगह मैं क्या कर दूंगा एक्स। यानी आपने करना क्या है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं अगर उनके एंगल में टू टी है तो टू टी हटाओ, और टू टी हटा के आप टी लाओ, और क्या लाओ साइन टी लेके आओ बेटा, बात समझ में आ रही है, आपने साइन टी लेके आना है। तो उसका तरीका देखना बेटा, तरीका देखिएगा सर, 1/2 बाहर एज इट इज माइनस टी अपॉन में टू चल रहा है ना, अपॉन में टू है, कॉस टू टी है, क्या कॉस टू टी का कोई फॉर्मूला होता है साइन टी के टर्म्स में, 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, इस बात को समझे इतना ठीक है। फिर देखो 2 प्लस का 1/2, फिर आगे क्या है 2 साइन टू टी है ना, तो साइन टू टी का फॉर्मूला होता है 2
साइन टी और आगे क्या होता है कॉस टी अपॉन में क्या चल रहा है टू प्लस का के। ये स्टेप समझे भाई, ये स्टेप ठीक है। हमने टी बाई टू ऐसे लिखा, कॉस टू टी इतने हिस्से की जगह हमने बेटा फॉर्मा लगा लिया वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी, उसके बाद माइनस टी बाई टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी, इस दो से ये दो कट गया, वन बाई टू अभी भी बची रहा है, साइन टी भी है ही, और जो कॉस टी है उसकी जगह वन माइनस साइन स्क्वायर टी। ये बात समझे? अब जो है वहाँ प्लस का के भी आएगा। अब बेटा अब आप इसमें सॉल्व कर लीजिए इसको, वन बाई टू टी की जगह साइन इनवर्स एक्स अपॉन में टू वन माइनस टू साइन टी की जगह एक्स का स्क्वायर प्लस में वन बाय टू साइन टी की जगह एक्स आ जाएगा, साइन टी की जगह एक्स आ जाएगा, रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर टी तो वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का के। बोलो बड़े बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें, नोट करना चाहते हो? x sin inverse x root 1 minus x square sin inverse x को टिलेट कर लो यार, क्या बात कर दिया आपने, ठीक है देवी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, अब डिफरेंशिएट करो x का 1 sin t का cos t t dt by x की जगह साइन टी, साइन इनवर्स एक्स की जगह वन माइनस एक्स की जगह साइन टी डी एक्स, डी एक्स यानी कि कॉस टी और डी टी, इतना ठीक है। टी साइन टी वन माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी बनेगा, कॉस स्क्वायर टी रूट कॉस टी, कॉस्टी कॉस्टी से कॉस्टी कट जाएगा, अब इससे बाई पार्ट्स लग जाएगा, आई लेट एलजेब्रा ठीक हो, अब तो कर सकते हो आगे, क्यों जी देखिए सर जनो, अच्छा अच्छा ध्यान देना एक बार, ये क्वेश्चन कई बार आता है पेपर में, टीचर बोलते हैं कि एक्स की जगह टेन थीटा पुट करो, क्या जरूरत है, हमें तो मालूम है कि ये तो फॉर्मूला है टू टेन इनवर्स एक्स का, तो इनवर्स फर्स्ट सेकंड हो जाएगा, सिंपल है, देखो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड का टू का टू एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर और टू का टू एक्स डी एक्स, अब सबको मालूम है कि यहाँ पे तो अब आपको मालूम ही है कि ये जो 2x है ठीक है, आगे टाइम वर्स x है, इसको t डेड करना पड़ेगा, इसके डेड ऊपर होते log t बन जाएगा, मैं शॉर्टकट मार के लिख रहा हूँ डायरेक्ट आंसर, ये तो आएगा क्या आएगा, ठीक है सिंपल है। अब ये बड़ा खतरनाक है भाई, साइन या कॉस आ जाए और उसके साथ में ई एक्स आ जाए, बड़ा पंगा होता है भाई इसका, मैं तो बड़ा दुखी हूँ इससे यार, देख लेना भाई किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, आई लेट फर्स्ट और सेकंड सही बात है, वैसे तो किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान लो इसमें क्या फर्क पड़ता है, फर्स्ट एज इट इज सेम ही आया, खत्म नहीं होगा कभी, फर्स्ट एज इट इज ई टू एक्स की इंडिकेशन ई टू एक्स के अपॉन में टू, सर पावर इसकी लीनियर है, पावर के डेरेटिव से डिवाइड भी करोगे ठीक है, माइनस अब फर्स्ट का डेरेटिव साइन एक्स का डेरेटिव कॉज एक्स, सेकेंड कंडीशन ई टू एक्स की इंडिकेशन ई टू एक्स
के अपॉन में टू, इतना ठीक है। अब इसके बाद साइन एक्स ए टू एक्स अपॉन टू माइनस टू कॉन्स्टेंट है ना, इसको ले आओ बाहर, तो e 2x इंटू में cos x। अब इसे दोबारा से बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, इतने ऐसे को रख लेते हैं बॉक्स के अंदर, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e 2x का e 2x बाय 2 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स ई टू एक्स कंडीशन ई टू एक्स डिवाइड बाई टू डी एक्स किसका, हाँ एक भार वन बाई टू भी रहा है, वो लिखा तो है, एक बार देख दोबारा देख, साइन एक्स एज इट इज ई टू एक्स एज इट इज अपॉन बाई टू माइनस वन बाई टू। अब उसके बाद फर्स्ट एज इट इज ई टू एक्स कंडीशन ई टू एक्स बाई टू माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन एक्स, सेकंड कंडीशन ई टू एक्स कंडीशन ई टू एक्स बाई टू, इतना ठीक है ना। दो दुनी चार, साथ में कॉस एक्स इंटू में, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस और माइनस, देखो ये ब्रैकेट है, ये माइनस ये माइनस मिलके प्लस हो गए होंगे, लेकिन जब इसकी मिलता है माइनस वन बाई टू से जाएगी तो दोबारा माइनस में आ जाएगा, दो और दूनी चार, और क्या बचेगा बेटा, साइन एक्स ई टू एक्स, ये समझे। अब क्या दोबारा बाई पार्ट्स लगाओगे, ऐसे लगाते रहोगे बेटा, जिंदगी खत्म हो जाएगी बेटा, खत्म नहीं होगा लेकिन, ठीक है। हाँ साइन से कॉस कॉस साइन काट दो ऐसे, अब देख मुन्ना, अब देख, बहुत हुई महंगाई की मार बेटा, ये देखो अपॉन में फोर माइनस वन बाई फोर, बेटा पूजा चमोली, बेटा इसको देख ध्यान से, बेटा इसको देख ध्यान से, बेटा सेम सेम, अब ही सेम 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 सेम, क्या बन गया बेटा, बात समझ में आ रही है, आ बेटा बन गया दोबारा, उसको कहाँ ले आओ बेटा, इस आयोटा में, वो आयोटा जब इस तरफ आएगा तो प्लस में आएगा, तो आयोटा प्लस में, सॉरी आयोटा बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन यार, इंटीग्रेशन जिंदगी खराब हो रही है भाई, बताओ यार, अरे अरे सॉरी यार भाई, माफ़ कर दो यार, तो आयोटा प्लस आयोटा बाई फोर, तुम ना कैसे करते हो तुम लोग ना यार, इन दोनों में ई पावर टू एक्स कॉमन आ रहा है, बचेगा साइन एक्स बाई टू माइनस में कॉस एक्स बाय फोर, तो फोर आयोटा प्लस आयोटा, ओहो फाइव आई, आई प्लस आई बाय फोर, फाइव आई बाय फोर, अरे यार अभी वो हाल फिलहाल में उसको पढ़ाया ना यार, वो कॉम्प्लेक्स नंबर इलेवंथ क्लास को, अब जवान पे चढ़ गया एकदम, दो और चार का चार, तो टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है लाला, चार से चार कैंसिल आउट, पाँच को भेजो नीचे बाद में, प्लस का ओके, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ठीक है जी, छाप लेना इस पर। देखो भाई बच्चों, अब जो है इसको इंडिकेट करना है, ई एक्स है, एफ एक्स, एफ डैश एक्स, ठीक है, तो बेटा ये एफ एक्स और एफ डैश एक्स का मतलब समझ पा रहे हो, इसका डेरिवेटिव ये है, मतलब ऐसे समझिए, जैसे अगर ये यहाँ ई एक्स है, यहाँ साइन एक्स है, तो यहाँ कॉस एक्स है, ये सिचुएशन है,
कि ये एफ एक्स हो गया, ये उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो गया। ओके तो क्या किया जाए बेटा, देखिएगा ई एक्स इंटू में एफ एक्स, फिर ई एक्स इंटू में एफ डैश एक्स, ये समझे। इस वाले हिस्से पे लगा लो बाई पार्ट्स, फर्स्ट सेकेंड। एफ एक्स को मैंने फर्स्ट माना, ई एक्स को मैंने सेकेंड माना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कंडीशन आसान है, सबसे लास्ट में आता है। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड ई एक्स कंडीशन, ई एक्स बाद में इस एक्स के डेरिवेटिव से डिवाइड भी होगा तो अपॉन में वन आया होगा, ठीक है। माइनस फर्स्ट का डेरेटिव, एफ एक्स का डेरेटिव एफ डैश एक्स, ई एक्स कंडीशन ई एक्स प्लस में ई एक्स एफ डैश एक्स। तो भाई ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी, दोनों सेम है, कैंसिल आउट, क्या बचा एफ एक्स ई एक्स प्लस का। तो भाई एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास, फॉर्मूला क्या भाई कि अगर कभी भी ई एक्स ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स हो तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ई एक्स एफ एक्स प्लस में के। ये चीज़ देख लेना, इस ई एक्स की पावर एक्स ही होनी चाहिए, अगर ई की पावर मान लो टू एक्स हुई तो अपॉन में बाद में टू भी करना पड़ेगा, ठीक है जी। जो भी इस ई की पावर है उसके डेरिवेटिव से बाद में आपने डिवाइड भी करना होगा। जैसे बेटा एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि मान लीजिए क्वेश्चन है ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो एक नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये एफ एक्स है, आप देख सकते हैं ये क्या है, तो आंसर के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, ई एक्स फिर एफ एक्स, और एफ एक्स यानी कि साइन एक्स प्लस का समाप्त खत्म। मान लीजिए ऐसे होता ई एक्स वन अपॉन में एक्स, अब बताओ भाई तुम्हें मालूम नहीं है कि ई की वन अपॉन में एक्स माइनस में वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर हो तो ये एफ एक्स होता है, ये उसका डेरिवेटिव है, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो ई एक्स एफ एक्स प्लस में के, ये समझे। अगर बड़े ऐसे हो ई की पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स क्या किया जाए, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखना पड़ेगा, बात समझ आ रही बच्चों, कितना क्लियर है, हो गया ना बताओ इसमें क्या होगा भैया, वन अपॉन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव ये तो रहा, तो सीधे क्या लिख दो ई की पावर एक्स, सही बात है। अब ये दे रखा है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया, अब तक तो डायरेक्ट थे, अब थोड़ा दिमाग भी लगाना होगा ना यार, ये थोड़ी कि ले बेटा इंटीग्रेशन कर ले, तेरे सामने तेरे को फॉर्मूला याद है कर ले बेटा, थोड़ा दिमाग तो लगाओगे यार, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, इंटीग्रेशन भाई ऐसे थोड़ी मजाक, डिनोमिनेटर में क्या चीज़ है, न्यूमिनेटर में क्या चीज़ है, जो चीज़ डिनोमिनेटर में है ना वो न्यूमिनेटर में बनाओ, जो चीज़ डिनोमिनेटर में है उसे आप न्यूमरेटर में भी बनाओ। डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन है तो ऊपर भी एक्स प्लस वन होना चाहिए ना, तो वन ऐड किया वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, कहाँ दिक्कत आ रही है, एक बार एक्स प्लस वन के अपॉन में एक्स प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा, एक बार वन के अपॉन में एक्स प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट गया
सी बात है, कई चीज होगी। हाँ जी बच्चों, कहाँ दिक्कत आ रही है? एक और देखो यार, तुम बच्चे ना तुम कहाँ समझते हो थोड़ा, तो बुक का क्वेश्चन है एक। ये चीज़ होगी, आप क्या करें इसमें? ई एक समय अच्छा लग रहा है, डिनोमिनेटर में क्या है? ऊपर x माइनस थ्री है ना, और नीचे x माइनस वन है, तो जो माइनस थ्री है उसको तोड़ के लिखो, माइनस वन माइनस कर टू। कोई दिक्कत? ध्यान दे, ध्यान दे, यहाँ पे ध्यान दो, बड़ा ध्यान देना चाहिए इंसान को। एक बार x माइनस वन के पॉन में x माइनस वन का क्यूब आएगा तो क्या बचेगा? x माइनस वन का स्क्वायर। एक बार माइनस टू के पॉन में x माइनस वन का क्यूब आएगा। बात समझ में आ रही बेटा? अब आपको मालूम है इसका डायरेक्टिव दे रहा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का डायरेटिव माइनस टू बाई एक्स क्यूब, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी ना, इसका डायरेटिव उतरा। तो भाई देखो, e की पावर x, बात समझे बच्चों? समझा पा रहा हूँ बेटा मैं, ठीक ठाक समझ रहा हूँ? ठीक है कि और चलो यार, तुम एक और देख लो बेटा, तुम भी का याद रखोगे। दिल बड़ा होना चाहिए बेटा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये क्वेश्चन है बेटा बच्चों, अब इसके लिए तुम्हें बेटा वही ग्यारहवीं क्लास जादू है ना, फॉर्मूले याद होने चाहिए। बेटा वन लिखा है, हमें अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है हमें। साइन एक्स लिखा है बेटा, टू साइन एक्स बाई टू, वन प्लस कॉस एक्स, जादू बेटा जादू। ये बात समझ पाए? समझ रहे बेटा? हाँ, वन की जगह वन लिख दिया, साइन एक्स की जगह टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, फॉर्म लग गया है। और वन प्लस कॉस एक्स की जगह बेटा क्या लग गया है? टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अच्छे से समझो बेटा, खूब अच्छे से समझो, तुम देश का भविष्य हो। एक बार वन के अपॉन में, एक बार टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू के अपॉन में, सही बात है? वन बाई टू कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा? सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, अपॉन में क्या बचेगा? टू, दो से दो कट गया, कॉस से कॉस कट गया, दो से दो कट गया, कॉस से कॉस कट गया, ऊपर एक साइन बचेगा, नीचे कॉस बचेगा, क्यों भाई बता? ठीक है, अब देखो ये इसका डेरिवेटिव ये होता है, उसका डेरिवेटिव ये होता है, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो क्या बचा बेटा? ई एक्स और एफ एक्स प्लस में, बात समझे बेटा? तो 7.6 इंटीग्रेशन की बेटा हमारी समाप्त हो गई है, ठीक है मेरे बच्चों? ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा भाई।